तो जिस खिलाड़ी को WTC के फाइनल से रोहित शर्मा ने बाहर किया था, उस खिलाड़ी ने अगले ही मुकाबले में 5 विकेट झटक कर सभी को गलत साबित कर दिया। बात करें तो बहुत से लोग कहेंगे कि वेस्ट इंडीज एक कमजोर टीम है, इसलिए रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट झटक लिया। लेकिन बता दें कि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पर बेहद ही मजबूत टीम मानी जाती है। इससे पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को भी हरा दिया था। ऐसे में अगर भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को मात्र 150 रन पर ऑल आउट कर दिया है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वह है रविचंद्रन अश्विन का। बेहतरीन बॉलिंग की वजह से रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट झटके, वेस्ट इंडीज के कोई भी बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन को ठीक से नहीं खेल पा रहा था। वहीं बता दें कि रविचंद्रन अश्विन का भरपूर साथ दिया है रविंद्र जडेजा ने। बता दें कि रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट झटके है। वहीं बात करें हम दूसरी बड़ी खबर का, तो दोस्तों यह खबर जुड़ा हुआ है मोहम्मद सिराज को लेकर। बता दें कि मोहम्मद सिराज जो कि अपने शानदार बॉलिंग के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार शानदार फील्डिंग की वजह से चर्चा में है। एक वक्त था जब माना जाता था कि तेज गेंदबाज अच्छा फील्डर नहीं होता है, लेकिन अब वह वक्त बीता हुआ वक्त हो चुका है। आज के जो तेज गेंदबाज होते हैं वह मोहम्मद सिराज की तरह होते हैं, जो कि शानदार फील्डिंग के साथ शानदार गेंदबाजी भी किया करते हैं। मोहम्मद सिराज ने एक शानदार ड्राइव मारते हुए कैच पकड़ा है, जो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेस्ट कैचों में से एक रहने वाला है। और यह कैच देखकर सभी चौंक गए थे, इतना बेहतरीन कैच था मोहम्मद सिराज का। वहीं बात करें हम तीसरी बड़ी खबर का, तो वह जुड़ा हुआ है टीम इंडिया के डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल को लेकर। बता दें कि अपने पहले ही टेस्ट मुकाबले में बेहद ही फेयरलेस बैटिंग करते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल। बात करें भारतीय टीम जो कि पहली पारी में 80 रन बना चुकी है बिना विकेट खोए, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वह है यशस्वी जायसवाल का। बता दें कि यशस्वी जायसवाल जो कि नॉट आउट 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इनके साथ दे रहे रोहित शर्मा जो कि नॉट आउट 30 रन पर खेल रहे हैं। अभी भी भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से मात्र 70 रन पीछे है, जो कि दूसरे दिन कवर कर लेगी, और हो सकता है कि हमें यशस्वी जायसवाल शतक लगाते हुए भी नजर आए दूसरे दिन, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से लय में है, बेहद ज्यादा चांसेस है कि शतक लगाए पहले ही टेस्ट में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल शतक पूरा कर पाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।